वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट टू में हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने पहले अपलोड कर चुका है वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर चैनल पे जाके उसे विजिट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। इसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बाद क्या है, जाइगोट फॉर्म होता है। और एसेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है और एक जाइगोट फॉर्म करता है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होकर एक ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इससे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते हैं, बहुत सारे इसको हम फेजेस बोल सकते हैं। जैसे कि उसमें ग्रोथ होते हैं, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो होगा, मैच्योर होगा, उसके बाद ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएगा। इस स्टेज को जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। अब ये जुवेनाइल फेज, जैसे कि सेम जैसे ग्रो हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, सेम चीज़ जब प्लांट्स में होती है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। जब प्लांट्स धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनमें फ्लावरिंग वगैरह, फ्लावरिंग वाली स्टेज आने से पहले जो भी इसमें चेंजेस होते हैं वो होते हैं वेजिटेटिव फेज, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं। अब जब जुवेनाइल फेज का एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं जब जुवेनाइल फेज, उसके बाद ही रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। प्लांट्स में हमको ये पता चल जाता है कि कब उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया, जब वो फ्लावरिंग, उनमें फ्लावर्स वगैरह आने लगते हैं, तब हमको पता लग जाता है कि ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुके हैं और इसकी जो वेजिटेटिव फेज है वो ख़त्म हो गई है। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनका जो फ्लावरिंग वाला फिनोमेना होता है कि वो किस टाइम पर फ्लावर देंगे, उनका स्टेज ऑफ फ्लावरिंग क्या होगा, ये हर एक प्लांट्स की स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है। अब जैसे कि एक बैम्बू स्पीशीज़ है, इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो सिर्फ एक बार आते हैं इसकी लाइफ टाइम में, 50 to 100 ईयर्स के बाद आते हैं, और सिर्फ एक ही बार आते हैं, उसके बाद ये फ्लावर करते हैं और फ्रूट देते हैं और फिर ये मर जाते हैं ये प्लांट्स। तो हर एक प्लांट्स में जो फ्लावरिंग फिनोमिना होता है, जो फ्लावरिंग मेथड होता है, जो फ्लावरिंग स्टेज होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक इसी तरह एक और प्लांट का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, स्ट्रॉबिलेंथस कुंटियाना का, इसको हम नीला कुरंजी भी बोलते हैं। ये साल 12 साल में एक बार इसमें फ्लावर आते हैं और ये अभी लास्ट टाइम इसमें सितंबर और अक्टूबर 2018 इसके बीच में इस प्लांट में फ्लावर आए थे। 12 साल में एक बार ये प्लांट जो है फ्लावर देते हैं। अब एनिमल्स में जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, जैसे अभी हमने प्लांट्स की तो जान लिया कि ये कब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी रीच करे, जब उनमें फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी तो वो मतलब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच गया। सेम इसी तरह एनिमल्स में भी हमको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी देखने को मिलती है। जो नॉन प्राइमेट एनिमल्स होते हैं जैसे कि काओ, शेप, डॉग्स, ये सब, इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको हम ऑयस्ट्रो साइकिल बोलते हैं। इसमें हमको ऑयस्ट्रो साइकिल देखने को मिलेगी नॉन प्राइमेट एनिमल्स में, और प्राइमेट एनिमल्स में इसमें हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में, जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमंस, इन सब में हमको ये देखने को मिलती है। प्लेसेंटा जो होगा, जो फीमेल्स होंगी जैसे कि मैमल्स वगैरह की या नॉन प्राइमेट की या प्राइमेट की, इनका जो प्लेसेंटा होगा उसमें ही ये सारी साइक्लिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, सारी जो एक्टिविटीज़ वगैरह, चेंजेस वगैरह, हॉर्मोन्स वगैरह ये सारे रिलीज होते हैं, तब इसमें ये सारे जो चेंजेस है, जो ऑस्ट्रो साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तब हमको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब नॉन प्राइमेट एनिमल में ऑयस्ट्रो साइकिल वाली स्टेज आ जाती है तो मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी रीच कर गया है, और प्राइमेट में जब प्राइमेट एनिमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हमको देख सकते हैं, तो उसका मतलब है कि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में स्टेज में, उस स्टेज में पहुंच गया। तो ये सारे फेजेस हैं एनिमल्स के कि वो कब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी रीच करते हैं। जैसे प्लांट्स का हमको पता चल गया, वैसे ही एनिमल्स में भी हमको ये साइकिल्स के थ्रू पता चलता है। और ये साइकिल्स को कंट्रोल कौन करता है, हॉर्मोन्स करते हैं, जैसे कि ओवरीज वगैरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, और ये सब कुछ कौन देखते हैं, हॉर्मोन्स, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं इसमें। अब जो इंटरेक्शन है हॉर्मोन्स का और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का,
यही रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इसी से ही रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है चलता रहता है। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके हम कुछ एक्सप्रेशंस चेंजेस हो सकते हैं, बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं, ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है। अब इसमें है इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम इवेंट्स में बात करेंगे, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीन इवेंट्स मेनली है जिसमें हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की नेक्स्ट पार्ट में।